सभी आप लोग सब हमारे बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं उनको अवगत कराए। भाई नूर नवाजी जोरदार करकल ध्वनि से भाई नूर नवाजी का स्वागत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष जी का स्वागत भी करूंगा और शुक्रिया भी अदा करूंगा कि उन्होंने यहाँ आए, इज्जत अफजाई करी, हौसला अफजाई करी मुश्ताक भाई का माशाल्लाह से। और अशरफ भाई को तो बिल्कुल शाम में ही कहा था और माशाल्लाह फिर भी उन्होंने इज्जत दी, मोहब्बत दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों का भी माशाल्लाह से कि आप लोग मेरी एक आवाज़ पर यहाँ आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। जैसा कि बात हो रही है, अल्लाह का शुक्र, जब अशरफ भाई का इलेक्शन हो रहा था तो मैं और अतीक भाई अशरफ भाई के यहाँ गए थे और मैंने एक सवाल किया था अशरफ भाई से, मैंने कहा भाईजान आपको वोट चाहिए या आपको गढ़ी पुख्ता में मीटिंग चाहिए। भाईजान बैठे हैं इसी, तो भाई ने कहा भाई मकसद तो वोट से है, हमें वोट मिलना चाहिए। तो मैं अध्यक्ष जी को भी अवगत करा दूँ, मुश्ताक भाई को भी अवगत करा दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला इलेक्शन है शायद बहुत दिनों के बाद जब राष्ट्रीय लोकदल यहाँ से जीत के निकला है। 1080 वोट गढ़ी पुख्ता में राष्ट्रीय लोकदल को पड़े, 760 वोट बीजेपी को पड़े, 350 वोट सपा को पड़े। ये मैं आपको बताऊँ, अल्लाह का शुक्र हमारा संगठन मजबूत हुआ, लोगों ने हम पे एतबार किया, अल्लाह का शुक्र। उसके बाद में हमने चेयरमैनी का इलेक्शन भी लड़ा है। मैं अध्यक्ष जी बस आपके सामने दो तीन बातें रखना चाहूँगा जिससे कि आप बड़े हैं और ये बात बड़े चौधरी साहब तक भी और जैन जी तक भी पार्टी के सारे सब तक पहुँचे। पहली चीज़ तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि 6 अप्रैल 2010 को यहाँ गढ़ी पुख्ता में जैन चौधरी जी का एक प्रोग्राम रखा गया था जो किसी कारणवश चाहे वो कुछ भी रहा हो कैंसिल हुआ। तो हम सब उस प्रोग्राम के दोबारा से मुंतजिर हैं कि जैन जी कब हमें वो सम्मान दे रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि जितना जल्द से जल्द आप हमें वो इज़्ज़त अफजाई कर सकें, हमें हौसला अफजाई कर सकें, तो ये चौधरी साहब से बात की जाए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी नीतियाँ क्या चल रही हैं, कैसे चल रही है, कैसी राजनीति चल रही है, ये आप सब लोगों को पता है। टीवी अब हर कोई देखता है, गानों के फिल्मों के बीच में भी टीवी देखता है। अगर आपने एक हफ्ते पहले का ज़रा देखो न्यूज़ में क्या चल रहा है कि फला नेता कह रहा है मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं भी धरना दे रहा हूँ, मैं भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, दूसरा नेता कह रहा है मैं भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, तीसरी नेत्री कह रही है मैं भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और शाम में मंत्रियों के इस्तीफ़ा देते ही सारे के सारे उस मंत्री पद पाने के लिए कि नहीं हम नहीं दे रहे, बीजेपी गवर्नमेंट में आ जाएगी, हम भी नहीं दे रहे, बीजेपी गवर्नमेंट में आ जाएगी, सारे वापस। मतलब ये जो ड्रामा चल रहा है सिर्फ ये सत्ता का लेने को, मलाई चाटने को, वो आप लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि आजकल हो क्या रहा है। नाम लेने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कौन कौन नेता सामने थे, जो लोग वापस लेना चाह रहे थे समर्थन कि हम बाहर से हैं हम हट जाएंगे, हम अंदर से हैं हम हट जाएंगे, एक ने हटाया, उसके 6 मंत्री बाहर हुए, तो अब मेरे 6 मंत्री बन जाएंगे मैं अंदर, ये आप लोग सब समझ सकते हो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हो क्या रहा है, मैं तो अब ये कहना चाह रहा हूँ अध्यक्ष जी कि ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए पार्टी के अंदर, ऐसे लोगों को राजनीति के अंदर मौका मिलना चाहिए, जो वो कहानियाँ हैं कि अकबर बादशाह चेहरा बदल के रूप बदल के रातों को पब्लिक में जाया करते थे, तेरे साथ क्या गुजर रही है, क्या आज का कोई नेता, क्या आज का कोई DM, क्या आज का कोई SO जाता है पब्लिक में पूछने के लिए, या वो चौधरी चरण सिंह जी की वो मिसाल कि भेष बदल के थाने में चले गए पूछने के लिए चल क्या रहा है, क्या कोई वो मिसाल देने वाला नेता आज की दौर में आप एक उठा के दिखा दो कि हाँ ऐसा एक नेता है। और अगर नेता नहीं है तो मैं अपनी पार्टी से ये डिमांड करता हूँ कि ऐसे नेता हम पैदा करें। अभी एक बात चल रही थी थोड़ी सी देर के लिए कि जी भाई ये सरकार गिरेगी या नहीं, तो मैंने एक सीधा सा छोटा सा सीधा साधा जवाब दिया, मैंने कहा हर नेता अब इलेक्शन से डरता है, हर नेता इलेक्शन से डरता है। वो बिरले बहुत थे जो कूद कूद के जनता में जाया करते कि मैं जनता का, जनता मेरी, आप के नहीं चुन गए, आप के नहीं मंत्री बन गए, आप के चुनू, जनता मेरी, मैं जनता का काम करूं, अगर अब के मेरे 300 MP नहीं आए तो अब क्या आएंगे, और कूद के इलेक्शन में जाया करें थे। मैंने कहा तो डरे, पैसों के दम पे तो टिकट खरीदें, पैसों के दम पे वोट खरीदें, शराब के दम पे वोट लें, तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि 5-5.5 साल से पहले भी इलेक्शन करा लें, ये तो इनकी चल नहीं रही, वरना 15 साल का इलेक्शन कराया करते, एक बार इलेक्शन हो गया 15 साल बाद होगा, तो ऐसे नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा यहाँ से कि हमारी पार्टी इस चीज़ की कोशिश करे कि वो साफ सुथरी छवि, वो साफ सुथरे चेहरे, वो पढ़े लिखे चेहरे जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, जो वाकई में पब्लिक को बदलना चाहते हैं, वाकई में हालात को बदलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जीवन कहीं सफल हो जाए, मेरे जीवन से किसी एक जीवन को कुछ फ़ायदा मिले, जो वह चाहते हैं, जो चौधरी चरण सिंह जी ने ये मिसाल कायम करी कि जब मरे तो 300 रुपये थे। आपको मैं, आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग हर एक नेता के कोठी पे चले जाओ,
अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि मैं जयंत चौधरी से इतना मुतासर क्यों हूँ, मैं चौधरी साहब से इतना मुतासर क्यों हूँ, मैं क्यों बार बार अड़ रहा हूँ, आप लोगों ने मेरा बचपन देखा है, मेरी जवानी देख रहे हैं, मेरी पढ़ाई देख रहे हैं, मेरा जो कुछ करना धरना है वो देख रहे हैं, मैं क्यों जयंत चौधरी के पीछे हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक काम कहता हूँ कि हर नेता के हर अपने गाँव से, हर अपने कस्बे से, हर अपने ज़िले से शुरू हो जाइए। हर नेता का घर देख लीजिए और मेरे चौधरी साहब का घर देख लीजिए। अगर उनके घर के आगे दो गाड़ी से ज़्यादा तीसरी गाड़ी मिल जाए, वो भी सीधी साधी सी, मेरे पास भी इनोवा है, चौधरी साहब के पास भी इनोवा है। अगर एक भी आपको गार्ड मिल जाए, एक भी वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर मिल जाए, या कोई ऐसी आपको विलासिता की चीज़ें मिल जाएँ, तो जो आपको वो मैं मान लूँगा। तो इतना सादगी में जो आदमी जीवन गुजार रहा हो, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। सादा विचार, सादा रहना। आप लोग कभी मीटिंग में देख लो, जैन जी का चेहरा देख के, जैन जी का लिबास देख के मुझे बता देना अगर उनके कहीं से विलासिता टपक रही हो। और आपके और दूसरे नेता आएंगे, फॉर्चूनर पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों से उतरेंगे, चुटकी मारते हुए उतरेंगे, उन्हें कोई परवाह ही नहीं कि दूसरे का हो क्या रहा। वो हर बार आपके पास किसानों की, मजदूरों की, खेतों की, खलियानों की, रास्तों की, सड़कों की, आगे 20 साल बाद क्या होगा इसकी बात करते हुए आएंगे, दूसरे अभी की बात करते हुए आएंगे, मंत्री पद किसे मिल रहा किसे नहीं मिल रहा। तो मेरा यही कहना है, आप लोगों से भी दरख्वास्त है, अपनी पार्टी से भी दरख्वास्त है कि भाई अब थोड़ा सा आप लोग भी माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, आप लोगों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, टीवी आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, अखबार आपके पास है। वो ज़माना चला गया जब ये पता चलता था वहाँ उसकी हवा चल रही तो हम भी उसी हवा में बह गए। अब तो आपको असलियत पता है, तो उसी तरह से अपना मिजाज बनाएं, उसी तरह से अपनी डिमांड रखें कि नेता भी सतर्क हों कि बेटा काम नहीं करोगे तो काम नहीं होने वाला, अगर काम नहीं करोगे तो काम नहीं होने वाला। और मैं इस बात की बधाई देता हूं अपनी पार्टी वालों को और इस चीज़ का यकीन दिलाता हूं कि हमें तो ये यकीन भी नहीं है कि सबसे सच्चा और सबसे पक्का वोट अगर है वो सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल का है। आप यकीन मानिए, अगर कोई ये कहता हो, कोई अगर ये कहता हो कि बसपा का वोट सच्चा है, मैं नहीं मानता बसपा का वोट सच्चा है। बसपा का तो वोट मिलने से पहले 1 करोड़ रुपये टिकट पर बिक जाता है, मैं कैसे मान लूँ। मेरा वोट अगर 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले चौधरी साहब टिकट डिक्लेयर करते हैं, 15 दिन पहले आपके इलेक्शन में टिकट डिक्लेयर गए, 15 दिन पहले सिर्फ, और 15 दिन के टिकट डिक्लेयर होने के बावजूद भी अगर 27 सीटों पे हम पहले और दूसरे नंबर पे रहे हो तो किसका वोट सच्चा और पक्का, मुझे आप बताइए। 9 सीटें हमने जीती और 18 पे हम सेकंड नंबर पे रहे तो किसका वोट सच्चा और पक्का। 15 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर मेरा वोट मुझे मिल जाता है, ना बगैर शराब के, ना बगैर टिकट के पैसे के, ना यहाँ नोट बटता है, ना वहाँ नोट जाता है, और बस सिर्फ टिकट जिसे मिल गया उसे वोट पड़ रहा है। तो कौन सा आपका वोट सच्चा और पक्का है? और अगर मैं ये कहता हूँ बीएसपी का वोट है तो बीएसपी का एक वोट है, एक वोट का मतलब एक वोट, राष्ट्रीय लोकदल का एक वोट का मतलब 7 वोट मानता हूँ मैं। एक वोट, मैं ये नहीं कह रहा कि दबंग से वो ले लेगा, वो इज्जत करके, अदब से, उसके रसूख से वो एक को 7 वोटों में बदल सकता है। तो किसका वोट सच्चा है, किसका वोट पक्का है? राष्ट्रीय लोकदल का वोट पक्का है। तो मेहरबानी करके मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग भी परखें, आप लोग भी जांचें। मेरी पार्टी की तरफ से मैं भी आपसे, अध्यक्ष जी बैठा हूँ, आप बैठे हैं, भाई मेरे बड़े भाई बैठे हैं, भाई सभी बैठे हैं, कि ये मैसेज हमारी पार्टी तक वहाँ जाना चाहिए कि अब पार्टी, अब पब्लिक क्या चाहे। तो इस तरह के कुछ नेता, इस तरह के कुछ आए हमारे उसमें। और मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि आज की दौर में नेता तो बहुत है, पॉलिटिशियन तो जहाँ से उठाओ वहीं से पॉलिटिशियन, मुझे लीडर्स बता दो, लीडर्स कहाँ गए? एक भी जो वो चलने वाले होते थे, जो राह दिखाने वाले होते थे, मुझे एक बता दो जिसके जीवन के ऊपर हम अपना जीवन बलिदान कर दें, ऐसा एक दिखा दो मुझे, एक कोई भी आप एग्जांपल, कोई भी एक उदाहरण दिखा दो जरा। तो वो लीडर्स हमारे बीच में से आए, या तो हम खुद उन्हें संवारें, सजाएं, या फिर वो क्रिएट करें, हम मौका दें कि भाई ऐसा कोई सामने आवे जो यूं कहे कि ला 5 बार इलेक्शन लड़ा दे, इलेक्शन तो मैं ही जीतूंगा क्योंकि पब्लिक मेरी, जो ऐसा हो, जो जाके घुसता हो, जो काम कराता हो, नोटों के पीछे ना फिरता हो। कल बात हो रही थी, कहना जी करोड़ों रुपए खा गए, अरबों रुपए खा गए, मैंने कहा खाएंगे तो वही 2 रोटी, रहेंगे तो उसी छत के नीचे, चलेंगे तो एक ही गाड़ी में, तो वो अरबों खरबों का करेंगे क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हवस बढ़ क्यों गई। तो ऐसे कुछ हमारे बीच में आवें जो पब्लिक को समझे, आगे इस देश को ले जावें, इस प्रदेश को ले जावें। जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ी ताकत है, इसके अंदर इतनी जनसंख्या रहती है, इतनी नौजवान ताकत है, तो इसको मौका दें। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरी 2 आपसे इल्तजा हैं कि एक तो हमें जयंत चौधरी का प्रोग्राम जितनी जल्द से जल्द हो सके दिलवाएं। मेरी पूरी जितने भी लोग हैं माशाल्लाह से बहुत बहुत मुंतजिर हैं भाई, हैं सब या नहीं? बिल्कुल बहुत मुंतजिर हैं इंशाल्लाह। और वहाँ ये डिमांड रहती है, मैं आपको एक चीज़ और एश्योरेंस आपको दे दूँ, वह डिमांड रहती है वहाँ पार्टी में कि भाई पगड़ी वाले तो बहुत आवे मीटिंग में, टोपी वाले आवे कम। बाखुदा इस आसमान के नीचे खड़े होकर कह रहा हूँ, अशरफ भाईजान साथ रहे हैं, मुश्ताक भाई साथ रहे हैं, इंशाल्लाह आपको जहां तक कहोगे हजूम टोपियों वालों को ही दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है, टोपियों वालों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है।
तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे इसका हौसला अफजाई करें और इंशाल्लाह उसके बाद में जब एक तो मीटिंग मैंने बात पहले बताई थी, मैं भाईजान को कह गया था कि भाई आपको वोट मिलेंगे, उसके बाद ये कह गया था इंशाल्लाह अब मैं मैदान में हूँ, अब आपके इलेक्शन जब भी होगा इंशाल्लाह पार्टी का आपका हो पार्टी का इंशाल्लाह आपको जब भी है, अब मैं यहाँ मीटिंग भी कराऊंगा और वोट भी दिलवाऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह ने साथ यही दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे जो मौजूद आए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई नूर नवाज जी। वास्तव में आपने सभी बिंदुओं पर और आज की पॉलिटिकल स्थिति के ऊपर भी सब लोगों के सामने समक्ष विचार रखे। वास्तव में आज की राजनीति की इतनी दुखद स्थिति है, देखिए मैं आप सभी को बता दूं, मैं एक शिक्षक वर्ग से संबंध रखता हूं। आज की सरकार क्या कर रही है, बेरोजगारी भत्ता देना है। अरे हमारे युवाओं को जो पढ़ लिख के पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके गार्जियंस जो उनको पढ़ा रहे हैं, उनके अंदर अपना भविष्य देख रहे हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए। ये सरकार उनको रोजगार दिलाने के लिए प्रयास करे, लेकिन ऐसे ऐसे अनर्गल